हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन की बुक दर्शन दिग्दर्शन के बारे में। राहुल सांकृत्यायन को हिंदी साहित्य में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम इतिहास प्रसिद्ध और अमर विभूतियों में गिना जाता है। राहुल जी की जन्मतिथि 6 अप्रैल 1893 ईस्वी को हुआ था। इनका ग्रंथ दर्शन दिग्दर्शन में विश्व की सभी दर्शन धाराएँ समाहित हैं। दर्शन के क्षेत्र में यूनानी दर्शन, इस्लामी दर्शन, यूरोपीय दर्शन और भारतीय दर्शन की प्रमुखता रही है और जितना गहन गंभीर चिंतन इनमें अनुस्यूत है, राहुल जी ने इसे इस पुस्तक में पूरी तरह समेटने का प्रयास किया है। यह ग्रंथ दर्शन विषयक अन्य ग्रंथों से इस मायने में अलग है कि इसमें दर्शन को विस्तृत भौगोलिक फलक और पीढ़ी दर पीढ़ी को सामने रखते हुए समझने की कोशिश की गई है। अभी तक दर्शन के इतिहास में किसी भी भाषा में यह पद्धति नहीं अपनाई गई थी। विश्वव्यापी दर्शन की धारा को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि वह राष्ट्रीय की अपेक्षा संवैदेशिक अधिक है। यही कारण है कि संपूर्ण विश्व को दर्शन की भाषा में एक इकाई मानकर वैचारिक चिंतन एवं उसके विकास का ऐतिहासिक दिग्दर्शन कराया गया है। अध्याय 1 यूनानी दर्शन। यूनान का यवन एक प्रदेश के कारण पड़ा देश का नाम है। जिस तरह की सिंधु से हिंदुस्तान और पारस से पारस ईरान, वस्तुतः इवन या यवन उन पुरियो एथेंस आदि का नाम था जो कि क्षुद्र एशिया, आधुनिक एशियाई तुर्की और यूरोप के बीच के समुद्र में पड़ती थी। इन पुरियो के नागरिक नाविक जीवन और व्यापार में बहुत कुशल थे और इसके लिए वे दूर दूर तक सामुद्रिक और स्थलीय यात्राएं करते रहते थे। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी में इन यवनी पुरियों की यह सरगर्मी ही थी जिससे बाहरी दुनिया को इनका पता लगा और उन्हीं के नाम पर सारा देश यवन या यूनान कहा जाने लगा। यूनान उस वक्त व्यापार के लिए ही नहीं, शिल्प और कला के लिए भी विख्यात था और उसके दक्ष कारीगरों के हाथों की बनी चीज़ों की बहुत मांग थी। यवन व्यापारी दूसरे देशों में जाकर सिर्फ सौदे का ही परिवर्तन नहीं करते थे बल्कि विचारों का भी दान आदान करते थे, जो कि ईसा पूर्व की तीसरी दूसरी सदियों के कारला आदि गुफाओं में अंकित उनके बौद्ध मठों के लिए दिए दानों से सिद्ध है। किंतु यह पीछे की बात है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय मिस्र बाबुल की सभ्यताएँ बहुत पुरानी और सम्माननीय समझी जाती थी। यवन सौदागरों ने इन पुरानी सभ्यताओं से प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिष, रेखा गणित, अंक गणित, वैदक की कितनी ही बातें सीखी और सीखकर एक अच्छे भविष्य की भांति उन्हें आगे भी विकसित किया। इसी विचार विनिमय का दूसरा परिणाम था यूनानी दर्शन की सबसे पुरानी शाखा यूनिक संप्रदाय, थेल, अनिक्स, मंदर, अनिक्षमन आदि का प्रादुर्भाव। तत्व जिज्ञासु यूनिक दार्शनिक 600 से 400 ईसा पूर्व। यूनिक दार्शनिकों की जिज्ञासा का मुख्य लक्ष्य था उस मूल तत्व का पता लगाना जिससे विश्व की सारी चीज़ें बनी हैं। वे सिर्फ कल्पना के ही आकाश में उड़ने वाले नहीं थे बल्कि उनमें अनक्षिमंदर को हम उस वक्त की ज्ञात दुनिया का नक्शा बनाते देखते हैं। यही नक्शा बहुत समय तक व्यापारियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम देता रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दार्शनिक व्यवहार या वैज्ञानिक प्रयोगों से अपने को अलग थलग रखना नहीं चाहते थे। उपनिषद के दार्शनिकों को भी हम इससे एक सदी पहले यह बहस करते पाते हैं कि विश्व का मूल उपादान क्या है। जिस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है। हमारे यहाँ किसी ने अग्नि को मूल तत्व कहा, किसी ने आकाश को, किसी ने वायु को और किसी ने आत्मा या ब्रह्मा को। यूनिक दार्शनिक थेल का कहना था कि पानी ही प्रथम तत्व है। अनक्षिमंदर का कहना था कि भूतों के जिन स्थूल शांत रूप को हम देखते हैं मूल तत्व को उनसे अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए। उसने इसका नाम अनंत और अनिश्चित रखा। इसी अनंत और अनिश्चित तत्व से आग, हवा, पानी, मिट्टी मूल तत्व बने हैं। अनक्षिमन पानी को मूल तत्व मानता था। इन पुराने यूनिक दार्शनिकों में हम एक खास बात यह देखते हैं कि वह यह प्रश्न नहीं उठाते कि इन तत्वों को किसने बनाया। उनका प्रश्न है ये कैसे बने। भारत में इनके समकालीन चार्वाक और बुद्ध को भी किसी बनाने वाले विधाता के प्रश्न को नहीं छेड़ते देखते हैं। इस यूनिक दार्शनिकों के लिए
जीवन महाभूत से अलग चीज ना थी जिसके लिए कि एक पृथक चालक चेतन शक्ति की जरूरत हो। गरजते बादल, चलती नदी, लहराता समुद्र, हिलता वृक्ष, कांपती पृथ्वी उनकी निर्जीवता नहीं सजीवता को साबित करती है। इसलिए भूतों से परे किसी अंतर्यामी को जानने का सवाल उन्होंने नहीं उठाया। ये थे यूनिक दार्शनिक जिन्होंने पाश्चात्य दर्शन के विकास में पहले प्रयास किया। दूसरा, बुद्धिवाद। पिथागोर यूनिक दार्शनिकों के बाद अगले विकास में हम विचारकों को और सूक्ष्म तर्क वितर्क की ओर लगे देखते हैं। यूनिक दार्शनिक महाभूतों के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए मूल तत्व की खोज कर रहे थे। अब हम पिथागोर जैसे दार्शनिकों को किनारे से छलांग मारकर आगे बढ़ते देखते हैं। पिथागोर भी केवल दार्शनिक न था, वह अपने समय का श्रेष्ठ गणितज्ञ था। कहते हैं वह भारत आया, यहाँ के विचारों से प्रभावित हुआ था और यहीं से उसने पुनर्जन्म का सिद्धांत और शायद शारीरिक ब्रह्मा को भी लिया था। जो भी हो, उपनिषद के ऋषियों की भांति वह भी ठोस विश्व को छोड़कर कल्पना जगत में उड़ना चाहता था, यह उसके दर्शन से स्पष्ट है। इस प्रकार के दर्शन को भारतीय परंपरा में विज्ञानवाद कहते हैं। पिथागोर मूल तत्व को ढूंढते हुए स्थूल व्यक्ति को छोड़ आकृति की ओर दौड़ता है। उसका कहना था महाभूत मूल तत्व नहीं है, न उनके सूक्ष्म रूप ही। मूल तत्व पदार्थ है आकृति आकार। वीणा के तार लंबाई और उसके स्वर का खास संबंध है। उंगुली से दबाकर जितनी लंबाई या आकार का हम इस्तेमाल करते हैं उसी के अनुसार स्वर निकलता है। वीणा के तार की लंबाई के दृष्टांत का पिथागोर के दर्शन में बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। शरीर के स्वास्थ्य के बारे में भी उनका कहना था वह आकृति लंबाई चौड़ाई मोटाई के खास परिमाण पर निर्भर है। इस तरह पिथागोर इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि मूल तत्व आकृति है। आकृति लंबाई चौड़ाई मोटाई चूँकि संख्या गिनती में प्रकट की जा सकती है इसलिए महावाक्य प्रसिद्ध हुआ, सभी चीज़ें संख्याएं हैं। और इस प्रकार हमारे यहाँ के व्याकरणों के शब्द ब्रह्मा की भांति पिथागोर का संख्या ब्रह्मा प्रसिद्ध हुआ। उस समय के यूनानी संख्या संकेत भी कई बिंदुओं को खास आकृति में रखकर लिखे जाते थे। यही बात हमारे यहाँ के ब्रह्मा लिपि की संख्याओं पर भी लागू थी, जिसमें कि पाइयों की संख्या बढ़ाकर संख्या संकेत होता था। इससे भी संख्या ब्रह्मा के प्रचार में पिथागोर के अनुयायियों को आसानी पड़ी। बिंदु रेखाओं को बनाते हैं, रेखाएं तल को और तल ठोस पदार्थ को, गोया बिंदु या संख्या ही सबकी जड़ है। यूनिक दार्शनिकों की विचारधारा अगली चिंतन धारा को गति देकर विलीन हो गई, किंतु पिथागोर की विचारधारा ने एक दर्शन संप्रदाय चलाया जो कि शताब्दियों तक चलता रहा और आगे चलकर अफलांतु अरस्तु के दर्शन का उज्जीवक हुआ। अद्वैतवाद। ईरान के शहंशाह कोरोश ने क्षुद्र एशिया को जीतकर जब यूनिक पुरियों पर भी अधिकार कर लिया तो उस वक्त कितने ही यूनानी इधर उधर भाग गए, जिनमें पिथागोर के कुछ अनुयायी एलिया दक्षिण इटाली में जा बसे। पिथागोर की शिक्षा सिर्फ दार्शनिक ही नहीं थी बल्कि बुद्ध और वर्धमान की भांति वह एक धार्मिक संप्रदाय का संस्थापक था जिसके अपने मठ और साधक होते थे। किंतु एलिया के विचारक शुद्ध दार्शनिक पहलू पर ज़्यादा जोर देते थे। इनका दर्शन स्थिरवाद था, अर्थात परिवर्तन केवल स्थूल दृष्टि से दिखता है, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर हम स्थिर तत्वों या तत्वों पर ही पहुँचते हैं। कैसेनोफेन। एलिया के दार्शनिकों में कैसेनोफेन का देवताओं के विरुद्ध यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, मनुष्य विश्वास करते हैं कि देवता उसी तरह अस्तित्व में आए जैसे कि हम, और देवताओं के पास भी इंद्रिया वाणी काया है, किंतु यदि बैलों या घोड़ों के पास हाथ होते तो बैल देवताओं को बैल की शक्ल के बनाते, घोड़े घोड़े की तरह बनाते। इथोपिया। अबिसिनिया वाले अपने देवताओं को काले और चिपटी नाक वाले बनाते हैं और थ्रेश वाले अपने देवताओं को रक्त केश नील नेत्र वाले। कैसेनोफेन ईश्वर को साकार मनुष्य जैसा मानने के बिल्कुल विरुद्ध था तथा बहुदेववाद को भी नहीं चाहता था। वह मानता था कि एक महान ईश्वर है जो काया और चिंतन दोनों में मृत जैसा नहीं है। वह उपनिषद के ऋषियों की भांति कहता था सब एक में है और एक ईश्वर है। इस वाक्य के प्रथम भाग में एक ईश्वरवाद आया है और दूसरे में ब्रह्मा अद्वैत।
वह अपने ब्रह्मवाद के बारे में स्पष्ट कहता है, ईश्वर जगत है, वह शुद्ध केवल आत्मा नहीं है बल्कि सारी प्राण युक्ति प्रकृति वही है। अर्थात वह रामानुज से भी ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में ईश्वर और जगत की अभिन्नता को मानता था, साथ ही शंकर की भांति प्रकृति से इनकार नहीं करता था। परमेनिद एलिया के दार्शनिकों में दूसरा प्रसिद्ध पुरुष परमेनिद हुआ। न सत से असत हो सकता है और न असत से सत की उत्पत्ति कभी हो सकती है। गोया इसी वाक की प्रतिध्वनि हमें वैशेषिक और भगवद गीता में मिलती है। इस तरह वह इस परिणाम पर पहुंचा कि जगत एक अकृत अविनाशी सत्य वस्तु है। गति या दूसरे जो परिवर्तन हमें जगत में दिखाई देते हैं वह ब्रह्म है। जेनो जन्म एलिया का एक राजनीतिक दार्शनिक था। सभी एलियातिक दार्शनिकों की भांति वह स्थिर अद्वैतवादी था। बहस में वाद प्रतिवाद संवाद या द्वंद्ववाद का प्रयोग पहले पहल जेनो ही ने किया था, यद्यपि उसका वैसा करना स्थिरवाद की सिद्धि के लिए था, क्षणिकवाद के लिए नहीं। इसीलिए जेनो को द्वंद्ववाद का पिता कहते हैं। सारे एलियातिक दार्शनिक इंद्रिय प्रत्यक्ष को वास्तविक ज्ञान का साधक नहीं मानते थे। उनका कहना था कि सत्य का साक्षात्कार चिंतन विज्ञान से होता है, इंद्रिया केवल भ्रम उत्पादन करती है। वास्तविकता एक अद्वैत है जिसका साक्षात्कार इंद्रियों द्वारा नहीं चिंतन द्वारा ही किया जा सकता है। एलियातिकों का दर्शन स्थिर विज्ञान अद्वैतवाद है। द्वैतवाद अद्वैतवादी एलियातिक चाहे स्वतः इस परिणाम पर पहुँचे हो अथवा बाहरी भारतीय रहस्यवादी प्रभाव के कारण, किंतु अपने से पहले वाले थेल आदि दार्शनिकों की स्वदेशी धारा से वह बहुत भिन्नता रखते थे। इसमें संदेह नहीं, इन अद्वैतवादियों के विरुद्ध एक दूसरी विचारधारा थी जो स्थिरवादी होते हुए भी परिवर्तन की व्याख्या अपने द्वैतवाद से करती थी, अर्थात मूल तत्व अनेक स्थिर नित्य है किंतु उनमें संयोग वियोग होता रहता है जिसमें जिसके कारण हमें परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। हेराक्लीतु हेराक्लीतु का वही समय है जो कि गौतम बुद्ध का। हेराक्लीतु भी बुद्ध की भांति ही परिवर्तनवाद क्षणिकवाद को मानता था। हेराक्लीतु के ख्याल के अनुसार जगत की सृष्टि और प्रलय के युग होते हैं। हर बार सृष्टि बनकर अंत में आग द्वारा उसका नाश होता है। भारतीय परंपरा में भी जल और अग्नि प्रलय का जिक्र आता है, यद्यपि उपनिषद और उससे पहले के साहित्य में उसका नाम नहीं है। बुद्ध के उपदेशों में इसका कुछ इशारा मिलता है और पीछे वसुबंधु आदि तो अग्निशवर्तनी का बहुत जोर से जिक्र करते हैं। यूनिक दार्शनिकों की भांति ही हेराक्लीतु भी एक अंतिम तत्व अग्नि की बात करता है, लेकिन उसका जोर परिवर्तन या परिमाणवाद पर बहुत ज़्यादा है। दुनिया निरंतर बदल रही है, हर एक चीज़ दीपशिखा की भांति हर वक्त नष्ट और उत्पन्न हो रही है। चीज़ों में किसी तरह की वास्तविकता स्थिरता नहीं है, स्थिरता केवल भ्रम है जो परिवर्तन की शीघ्रता तथा सदृश उत्पत्ति उत्पन्न होने वाली चीज़ अपने से पहले के समान होती है के कारण होता है। परिवर्तन विश्व का जीवन है। इस प्रकार हेराक्लीतु एलियातिकों से बिल्कुल उल्टा मत रखता था। वह अद्वैती नहीं द्वैती स्थिरवादी नहीं परिवर्तनवादी था। हेराक्लीतु का जन्म एफेसु के एक रईस घराने में हुआ था, लेकिन वह समय ऐसा था जबकि पुराने रईसों की प्रभुता को हटाकर यूनानी व्यापारी वहाँ के शासक बन चुके थे। हेराक्लीतु के मन में तेहित नु दिवसा गता की आग लगी हुई थी और वह इस स्थिति को सहन नहीं कर सकता था, और समय के परिवर्तन की जबरदस्त हवा ने उसे एक जबरदस्त परिवर्तनवादी दार्शनिक बना दिया। शायद यदि रईसों का राज होता तो हेराक्लीतु परिवर्तन के सत्य को देख भी न पाता। हेराक्लीतु ने क्रांतिकारी दर्शन की सृष्टि की, किंतु व्यवहार में उसकी क्रांति व्यापारियों के राज को उलटना भर चाहती थी। वह आजीवन रईस मिजाज रहा और जनतंत्रता को अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखता था। आखिर इसी जनतंत्रता ने तो उसके अपने वर को सिंहासन से खींचकर धूलि में ला पड़ता था। हेराक्लीतु के लेखों के बहुत थोड़े से अंश मिले हैं। जगत के निरंतर परिवर्तनशील होने के बारे में वह उदाहरण देता है, तुम उसी नदी में दो बार नहीं उतर सकते क्योंकि दूसरे और फिर दूसरे पानी वहाँ से सदा बह रहे हैं। जगत की सृष्टि उसका नाश प्रलय है, उसका नाश उसकी सृष्टि है। कोई चीज़ नहीं जिसके पास अस्थायी गुण हो। संगीत का समन्वय निम्न और उच्च स्वरों का समागम विरोधियों का समागम है।
जगत चल रहा है, संघर्ष से युद्ध सबका पिता और सबका राजा है। उसके बिना जगत खत्म हो जाएगा, गति शून्य हो मर जाएगा। अनित्यता या परिवर्तन के अटल नियम पर जोर देते हुए हेराक्लीतु कहता है, यह एक ऐसा नियम है जिसे न देवताओं ने बनाया न मनुष्यों ने, वह सदा से रहा है और रहेगा। एक सदा जीवित अग्नि बनकर निश्चित मान के अनुसार प्रदीप्त होता है और निश्चित मान के अनुसार बुझता। निश्चित मान मात्रा या नाप पर हेराक्लीतु का वैसे ही बहुत जोर था जैसा कि उसके सामयिक बुद्ध का। हेराक्लीतु अनजाने के दुनिया के जबरदस्त क्रांतिकारी दर्शन, दृंदात्मक क्षणिक भौतिकवाद, मार्क्सवादी दर्शन का विधाता बना। बुद्ध दर्शन का भी वही लक्ष्य था, किंतु मजहबी भूल भुलैया में वह इतना उलझ गया कि आगे विकसित न हो सका। हेगले ने उसे अपने दर्शन का आधार बनाकर एक सांगोपांग गंभीर आधुनिक दर्शन का रूप दिया। हेराक्लीतु के लिए मन और भौतिक तत्व में किसी एक को प्रधानता देने की जरूरत न थी। हेगेल ने मन को प्रधानता दी, भौतिक तत्व नहीं। मन या विज्ञान असली तत्व परिवर्तन होते हुए भी है, और इस प्रकार वह जगत से मन की ओर न जाकर मन से जगत की ओर बढ़ने का प्रयास करते हुए त्रिदात्मकवाद को विज्ञानवाद ही बना शीर्षासन करा रहा था। मार्क्स ने उसे इस शासक से बचाया और दोनों पैरों के बल ठोस पृथ्वी पर ला रखा। भौतिक तत्व आसमानी विज्ञान मन के विकास नहीं है, बल्कि विज्ञान ही भौतिक तत्वों का चरम विकास है। ऊपर से नीचे आने की जरूरत नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर जाने में बात ज़्यादा दुरुस्त उतरती है। अनकसागोर ने दैत्यवाद का और विकास किया। उसने कहा कि हेराक्लीतु की भांति आग जैसे किसी एक तत्व को मूल तत्व या प्रधान मानने की जरूरत नहीं। ये बीज मूल कारण अनेक प्रकार के हो सकते हैं और उनके मिलने से ही सारी चीज़ें बनती हैं। एम्पेडोकल अनकसागोर के समकालीन एम्पेडोकल ने मूल तत्वों की संख्या अनिश्चित नहीं रखनी चाहिए और यूनिक दार्शनिकों की शिक्षा से फायदा उठाकर अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये चार बीज निश्चित कर दिए। यही चारों तरह के बीज एक दूसरे के संयोग और वियोग से विश्व और उसकी सभी चीज़ों को बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। संयोग वियोग कैसे संभव है, इसके लिए एम्पेडोकल ने एक और कल्पना की। जैसे शरीर में राग देश मिलने और हटने के कारण होते हैं, उसी तरह इन बीजों में राग और देश मौजूद है। एम्पेडोकल की ख्याली उड़ान ने इस सिलसिले में और आगे बढ़कर कहा कि मूल बीज ही नहीं, खुद शरीर के अंग भी पहले अलग अलग थे और फिर एक दूसरे से मिलकर एक शरीर बन गए। उसने यह भी कहा कि भिन्न भिन्न अंगों से मिलकर जितने प्रकार के शरीर बनते हैं, उनमें सबसे योग्यतम ही बचे रहते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। ये विचार सेल और विकास के सिद्धांतों की पूर्व झलक है। डेमोक्रिटु यूनानी दैत्यवादी दार्शनिक में ही प्रधान स्थान नहीं रखता, बल्कि अपने परमाणुवाद के कारण पौरसत्य पाश्चात्य दोनों दर्शनों में उसका बहुत ऊंचा स्थान है। भारतीय दर्शन में परमाणुवाद का प्रवेश यूनानियों के संपर्क से ही हुआ, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं, जबकि उपनिषद और उससे पहले के ही साहित्य में नहीं बल्कि जैन और बौद्ध पिटकों में भी हम उसका पता नहीं पाते। वैशेषिक दर्शन यूनानी दर्शन का भारतीय संस्करण है, क्या जाने एथेंस का पुरचिन्ह उल्लू ही है। वैशेषिक के औलुक के दर्शन नाम पढ़ने का कारण हुआ हो, इस पर आगे हम और कहेंगे। 200 ईसा पूर्व के आसपास जब वैशेषिक ने परमाणुवाद को अपना कर भारतीय दर्शन क्षेत्र में अपनी धाक जमानी चाही, तो वो उसके बाद किसी भी दर्शन को उसके बिना रहना मुश्किल हो गया। मध्यकाल के सभी भारतीय बुद्धिवादी दार्शनिक न्याय वैशेषिक बौद्ध और जैन परमाणु भी को निजी व्याख्या के साथ अपना अंग बनाते हैं। परमाणुवाद को दर्शन में ऊंचा स्थान यद्यपि डेमोक्रिटु की लेखनी ने दिलाया, किंतु सबसे पहले उसका ख्याल उसके गुरु लेउकिप्पु 500 से 430 ईसा पूर्व को आया था। डेमोक्रिटु का जन्म 460 ईसा पूर्व में बुद्ध के निर्वाण के 23 साल बाद थ्रेस के समुद्री तट पर स्थित अबदेरा के व्यापारी नगर में हुआ था। परमाणुवादी डेमोक्रिटु एलियातिको से दैत्यवाद में भेद रखता है, किंतु वह चरम परिवर्तन को नहीं मानता। वास्तविकता नित्य ध्रुव अपरिवर्तनशील है, साथ ही परिवर्तन भी जो दिख रहा है वह वस्तुओं के निरंतर गति के कारण होता है।
हाँ, वास्तविक तत्व एक अद्वैत नहीं बल्कि अनेक दैत्य है, और ये मूल तत्व एक दूसरे से अलग अलग हैं, जिनके बीच की जगह खाली आकाश। मूल तत्व अतो मूल छेद अवेद से ही अंग्रेजी एटम शब्द निकला है। परमाणु अति सूक्ष्म अविभाज्य तत्व है, किंतु वह रेखा गणित का बिंदु या शक्ति केंद्र नहीं है, बल्कि उसमें परिमाण या विस्तार है। गणित द्वारा अविभाज्य नहीं बल्कि कायिक तौर से अविभाज्य है, अर्थात परमाणु के भीतर आकाश नहीं है। सभी परमाणु एक आकार परिमाण अर्थात एक लंबाई चौड़ाई मोटाई के नहीं होते। परमाणुओं से बने पिंडों के आकारों में भेद है। परमाणुओं के आकार उनके स्थान और क्रम के कारण है। परमाणु जगत के आरंभिक इकाइयाँ ईंट या अक्षर है, जैसे 2-3 का भेद आकार में है, 3-6 का भेद स्थिति के कारण है। अगर 3 का मुंह दूसरी ओर फेर दे तो वह 6 हो जाएगा। 36 और 63 का अंतर अंक के क्रम भेद के कारण है। परमाणु गति शून्य तत्व नहीं बल्कि उसमें स्वाभाविक गति होती है। परमाणु निरंतर हरकत करते रहते हैं, इस तरह हरकत करते रहने से उनका दूसरों के साथ संयोग होता है, और इस तरह जगत और उसके सारे पिंड बनते हैं। किसी किसी वक्त ये पिंड आपस में टकराते हैं, फिर कितने ही परमाणु उनसे टूट निकलते हैं। इस तरह डेमोक्रिटस के का परमाणु सिद्धांत पिछली शताब्दी के यांत्रिक भौतिकवाद से बहुत समानता रखता है, और विश्व के अस्तित्व की व्याख्या भौतिक तत्व और गति के द्वारा करता है। डेमोक्रिटस शब्द वर्ण रस गंध की सत्ता को व्यवहार के लिए ही मानता है, नहीं तो वस्तुतः न मीठा है, न कड़वा, न ठंडा है, न गर्म। वस्तुतः यहाँ है परमाणु और शून्य। इस तरह परमाणुवादी दार्शनिक ब्रह्मा जगत और इसकी वस्तुओं को एक ब्रह्म या इंद्रजाल से बढ़कर नहीं मानते। सोफीवाद। कुरुस और दारियोस के समय यूनिक नगर जब ईरानियों के हाथ में चला गया तो कितने ही विचार के लोग इधर उधर चले गए। यह हम बतला आए हैं, जिस तरह इस वक्त पिथागोर के अनुयायियों ने भाग कर एलिया में अपना केंद्र बनाया, उसी तरह और विचार भी भागे, मगर उन्होंने एक जगह रहने के बदले घुमंतु या परिवारजक होकर रहना पसंद किया। इन्हें सूफी या ज्ञानी कहते हैं। यद्यपि इस्लामी परिभाषा में प्रसिद्ध सूफी अद्वैतवादी संप्रदाय इसी शब्द से निकला है, किंतु प्राचीन यूनान के इन सूफियों और इस्लामी सूफियों का दार्शनिक संप्रदाय एक नहीं है, इसलिए हम उसे यहाँ सूफी न लिख सूफी लिख रहे हैं। सूफी एक आसान तितर बितर होते समाज तथा राज्य क्रांति की उपज थे, इसलिए पहले से चली आती बातों पर उनका विश्वास कम था। उनमें ज्ञान की बड़ी प्यास थी, वह खुद ज्ञान का संग्रह करते थे, साथ ही उसका वितरण करना भी अपना कर्तव्य समझते थे। उनके प्रयत्न से ज्ञान का बहुत विस्तार हुआ, चारों ओर ज्ञान की चर्चा होने लगी। पुराण मित्येव व साधु सर्व पुराना है इसीलिए ठीक, यह नहीं मानना चाहिए, यह एक तरह उनका नारा था। सत्य के अन्वेषण के लिए बुद्धि को हर तरह से बंधनों से मुक्त करके इस्तेमाल करने की बात उन्होंने लोगों को समझाई। सूफियों ने भी अपने से कुछ समय पहले गुजर गए बुद्ध की भांति सत्य के दो भेद रूढ़ी और वास्तविक किए। रूढ़ी सत्य ही बुद्ध का संवृत्ति शंकर का व्यवहार सत्य है, और वास्तविक सत्य परमार्थ सत्य है। सूफियों का एक महाकाव्य था मनुष्य वस्तुओं का नाप या माप कसौटी है। सूफियों के जमाने में ही एथेंस यूनानी दर्शन के पठन पाठन का केंद्र बन गया, और उसने सुकरात अफलांतु और अरस्तु जैसे यूनानी दर्शन का मध्य ईसा पूर्व 4वीं सदी यूनानी दर्शन का स्वर्ण युग है। थोड़ा पहले सुकरात ने अपने मौखिक उपदेशों द्वारा एथेंस के तरुणों में तहलका मचाया था, किंतु उसके अधूरे काम को उसके शिष्य अफलांतु और प्रशिष्य अरस्तु ने पूरा किया। इस दर्शन को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला सुकरात गुरु शिष्य का यथार्थवाद और दूसरा अरस्तु का प्रयोगवाद। यथार्थवादी सुकरात सूफियों के कितने ही विचार सुकरात मानता था। सूफियों की भांति मौखिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना उसे भी पसंद थे। वस्तुतः उसके समसामयिक भी सुकरात को एक सूफी समझते थे। सूफियों की भांति साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर वह जोर देता था, और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करता था, लेकिन उसका प्रहार सिर्फ अभावात्मक नहीं था,
वह कहता था सच्चा ज्ञान संभव है, बशर्ते कि उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए। जो बातें हमारी समझ में आती हैं या हमारे सामने आई हैं, उन्हें तत्संबंधी घटनाओं पर हम परखें। इस तरह अनेक परखों के बाद हम एक सच्चाई पर पहुंच सकते हैं। ज्ञान के समान पवित्रतम कोई चीज़ नहीं है। वाक्य में गीता ने सुकरांत की ही बात को दोहराया है। ठीक करने के लिए ठीक सोचना जरूरी है। सुकरांत का कथन था, बुद्ध की भांति सुकरांत ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीवन के समय में कंठस्थ करना शुरू किया था, जिससे हम उनके उपदेशों को बहुत कुछ सीधे तौर पर जान सकते हैं। किंतु सुकरांत के उपदेशों के बारे में वह भी सुभितम है। सुकरांत का क्या जीवन दर्शन था, यह उसके आचरण से ही मालूम हो सकता है, लेकिन उसकी व्याख्या भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं। कुछ लेखक सुकरांत की प्रसन्न मुक्ता और मर्यादित जीवन उपभोग को दिखलाकर बतलाते हैं कि वह भोगवादी था। अंतस्थेन और दूसरे लेखक उसके शारीरिक कष्टों की ओर से बेप्रवाहित तथा आवश्यकता पड़ने पर जीवन सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार रहने को दिखलाकर उसे सादा जीवन का पक्षपाती बतलाते हैं। सुकरांत को हवाई बहस पसंद न थी। विश्व का स्वभाव क्या है, सृष्टि कैसे अस्तित्व में आई, या नक्षत्र जगत के भिन्न भिन्न प्राकट जिन शक्तियों के कारण होते हैं, इत्यादि प्रश्नों पर बहस करने को वह मूर्ख कीड़ा कहता था। सुकरांत एथेंस के एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी उसने वैवाहिक सुख की लालसा न की। ज्ञान का संग्रह और प्रसार यही उसके जीवन के मुख्य लक्ष्य थे। तरुणों को बिगाड़ने, देवनिंदक और नास्तिक होने का झूठा दोष उस पर लगाया गया था और इसके लिए उसे जहर देकर मारने का दंड मिला था। सुकरांत ने जहर का प्याला खुशी खुशी पिया और जान दे दी। बुद्धिवादी अफलांतु एथेंस के एक रईस घर में पैदा हुआ था। अपने वर्ग के दूसरे मेधावी लड़कों की भांति उसने भी संगीत, साहित्य, चित्र और दर्शन का आरंभिक ज्ञान प्राप्त किया। जब वह 20 साल का था तभी सुकरांत के पास आया और अपने गुरु की मृत्यु तक उसके ही साथ रहा। कोई भी दर्शन शून्य में नहीं पैदा होता, वह जिस परिस्थिति में पैदा होता है उसकी उस पर छाप होती है। अफलांतु रहीस घराने का था और उस वर्ग की प्रभुता का उस वक्त के यूनान में हांस हो चुका था। उसकी जगह व्यापारी शक्तिशाली बन चुके थे, इसलिए उस समय के समाज की व्यवस्था से अफलांतु संतुष्ट नहीं हो सकता था। जब अपने निरपराध गुरु सुकरांत को जनसम्मत शासकों द्वारा मारे जाते देखा तो उसके मन पर इसका और भी बुरा असर पड़ा। इस बात का प्रभाव हम उसके लोकोत्तरवादी दर्शन में देखते हैं, जिसमें एक वक्त अफलांतु एक रहस्यवादी ऋषि की तरह दिखाई पड़ता है और दूसरी जगह एक दुनियादार राजनीतिक की भांति। वह तत्कालीन समाज को हटाकर एक नया समाज कायम करना चाहता है। यद्यपि उसका यह नया समाज भी इस लोक का नहीं, एक बिल्कुल लोकोत्तर समाज है। वह अपने समय की एथेंस से कितना असंतुष्ट था वह इस कथन से मालूम होता है। हाल में एथेंस में जनतंत्रता चलाई गई। मैंने समझा था यह अन्याय के शासन के स्थान पर न्याय का शासन होगा, इसीलिए मैं इसकी गतिविधि को बड़े ध्यान से देखता रहा। किंतु थोड़े ही समय के बाद मैंने इन सज्जनों को ऐसी जनतंत्रता बनाते देखा जिसके सामने पहले का शासन स्वर्ण युग था। उन्होंने मेरे बूढ़े मित्र, जिसे अत्यंत सच्चा आदमी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, को एक ऐसे नागरिक को पकड़वाने का हुक्म दिया जिसे कि अपने रास्ते से वह दूर करना चाहते थे। उनकी मंशा थी कि चाहे सुकरांत पसंद करे या ना करे, लेकिन वह नए शासन की कार्रवाइयों में सहयोग दे। उसने उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और इनके पापों से सम्मिलित होने की वह मरने के लिए तैयार हो गया। जब मैंने खुद यह और बहुत कुछ और देखा तो मुझे सख्त घृणा हो गई और मैंने ऐसी शोचनीय सरकार से नाता तोड़ लिया। पहले मेरी बहुत इच्छा थी कि राजनीति में शामिल हो, लेकिन जब मैंने इन सब बातों पर विचार किया तो देखा कि राजनीतिक परिस्थिति कितनी दुर्व्यवस्थित है। इस
तरह सोचकर अफलांतु ने इस लोक के समाज के निर्माण में तो भाग नहीं लिया, किंतु उसने एक उटोपियन दिमागी या हवाई प्रजातंत्र जरूर तैयार करना चाहा और घोषित किया, मानव जाति बुराइयों से तब तक बच नहीं सकती जब तक कि वास्तविक दार्शनिकों के हाथ में राजनीतिक शक्ति नहीं चली जाती, अथवा कोई योजना चमत्कार ऐसा नहीं होता जिसमें कि राजनीतिक ही दार्शनिक बन जाए। अपलांतु किस तरह का समाज चाहता था इसे हम अनियंत्र कह आए हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपलांतु का दर्शन उस समाज की उपज है जिसमें जीवनोपयोगी सामग्री का उत्पादन अधिकतर दास या कामी करते थे। अफलांतु का वर्ग या तो उसी तरह के राजनीति में संलग्न था जिसकी कि अफलांतु शिकायत कर चुका है, अथवा संगीत साहित्य और दर्शन का आनंद ले रहा था। अफलांतु का दर्शन में अफलांतु की प्रवृत्ति पर हम पहले के परस्पर विरोधी दार्शनिक विचारों के शमनब की ओर देखते हैं। वह सुकरात की इस बात से सहमत था कि ठीक तौर से प्रयत्न करने पर ज्ञान तत्व ज्ञान संभव है। साथ ही वह हेराक्लीतु की राय से भी सहमत था कि साधारण तौर से जिन पदार्थों का साक्षात्कार हम करते हैं वे सभी सदा बदलती सदा बहती धारा है और उनके बारे में किसी महासत्य पर नहीं पहुंचा जा सकता। वह एलियाटिकों की भांति एक परिवर्तनशील जगत विज्ञान जगत को मानता था। परमाणुवादियों के बहुत द्वैतवाद को समर्थन करते हुए कहता था कि मूल तत्व विज्ञान बहुत है। इस तरह वह इस परिणाम पर पहुंचा कि ज्ञान का यथार्थ विषय सदा परिवर्तनशील जगत प्रवाह और उसकी चीज़ें नहीं है बल्कि उसका विषय है। लोकातीत अचल एक रस इंद्रिय गोचर पदार्थ विज्ञान मन जो कि पिथागोर की आकृति से मिलता जुलता था। इस तरह पिथागोर हेराक्लीतु और सुकरातु तीनों के दार्शनिक विचारों का शमनब अफलांतु के दर्शन से करना चाहे। अफलांतु के लिए इंद्रिय प्रत्यक्ष का ज्ञान में बहुत कम महत्व था। इंद्रिय प्रत्यक्ष वस्तुओं की वास्तविकता को नहीं प्रकट करता, वह हमें सिर्फ उनकी बाहरी झांकी कराता है। राय सच्ची भी हो सकती है झूठी भी, इसलिए सिर्फ राय कोई महत्व नहीं रखती। वास्तविक ज्ञान बुद्धि या चिंतन से होता है। इंद्रियों को दुनिया का एक घटिया दर्जे की नकली वास्तविकता है, वह वास्तविकता का मोटा सा अटकल भर है। ज्ञान की प्राप्ति दो प्रकार के चिंतन पर निर्भर है, विज्ञान में बिखरे हुए विशेषों का ख्याल में लाना, विज्ञान का जाति या सामान्य के रूप में वर्गीकरण करना, या सामान्य विशेष भारतीय न्याय वैशेषिक दर्शन में बहुत आता है। वैशेषिक सूत्रों के 6 पदार्थों में सामान्य विशेष चौथे पांचवे पदार्थ और उनका उद्गम इसी यूनानी दार्शनिक अफलांतु से हुआ था। अफलांतु यह भी मानता था कि जो चिंतन ज्ञान या का साधन है उसे विज्ञान के रूप में होना चाहिए। ब्रह्मा जगत के जो प्रतिबिंब या वेदना जिसको इंद्रिय लाती है उस पर चिंतन करके हम सत्य तक नहीं पहुँच सकते। अफलांतु कुछ पदार्थों को स्वतः सिद्ध कहता था। इनमें गणित संबंधी ज्ञान, संख्या तथा तर्क संबंधी पदार्थ, भाव अभाव, सादृश्य भेद एकता अनेकता शामिल है। इनमें से कितने ही पदार्थ का वर्णन वैशेषिक में ही आता है। ज्ञान की परिभाषा करते हुए अफलांतु कहता है, विज्ञान और वास्तविकता का सामंजस्य ज्ञान है। वास्तविकता निर्विषय नहीं हो सकता, उसका अवश्य कोई विषय होना चाहिए और वही विषय एक रस विज्ञान है। भाव पदार्थ के बारे में वह कहता है, सच्चा भाव स्थिर अपरिवर्तनशील अनादि है, इसलिए वास्तविक ज्ञान के लिए हमें वस्तुओं के इसी स्थिर अपरिवर्तनशील सार को जानना चाहिए। सामान्य विशेष जब हम इंद्रियों से प्राप्त प्रतिबिंबों या वेदनाओं से नहीं बल्कि उनसे परिशुद्ध विज्ञान से ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वस्तुओं में हमें सामान्य अपरिवर्तनशील सार तत्व का ज्ञान होता है और यही सच्चा ज्ञान तत्व ज्ञान है। भारत में सामान्य के जबरदस्त दुश्मन बौद्ध रहे हैं क्योंकि इसमें उन्हें नित्यवाद की स्थापना की छिपी कोशिश मालूम होती थी। न्यायिक व्यक्ति आकृति जाति तीनों को पदार्थ मानते थे। प्रत्यक्षवादी कहते थे कि सत्ता व्यक्तियों की ही है, दिमाग से बाहर विज्ञान या जाति की तरह किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं पाया जाता। अंतस्थेन ने कहा था, मैं एक अश्व घोड़ा तो देखता हूँ किंतु सामान्य को नहीं देखता। पिथागोर आकृति पर जोर देता था,
यह हम बतला चुके हैं। अफलातून सामान्य का पक्षपाती था, वह परिवर्तनशील विश्व की तह में अपरिवर्तनशील एक रस तत्व को साबित करना चाहता था, जिसके लिए सामान्य एक अच्छा हथियार था। इस रहस्य से बौद्ध न्यायिक अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए धर्मकीर्ति को हम सामान्य की बुरी गति बनाते देखेंगे। अफलातून कहता था, वस्तुओं का आदि अनादि अगोचर मूल स्वरूप वस्तुओं से पहले उनसे अलग तथा स्वतंत्र मौजूद था। वस्तुओं में परिवर्तन होते हैं, किंतु इस मूल रूप पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। अश्व एक खास पिंड है जिसको हम आँखों से देखते हैं, हाथों से छूते हैं या दूसरी इंद्रियों से प्रत्यक्ष करते हैं, किंतु वर्तमान भूत और भविष्य के लाखों अनगिनत अश्वों के भीतर अश्वपन एक जैसी नहीं हो पाई जाती है। जो अश्व व्यक्तियों के मरने पर भी नष्ट नहीं होती, वह अश्व व्यक्ति के पैदा होने से पहले भी मौजूद रही। अपलांतु इस अश्वता का अश्व सामान्य को अश्व वस्तु का आदिम अनादि अगोचर मूल स्वरूप अश्व वस्तु से पहले उससे अलग स्वतंत्र वस्तु परिवर्तन से प्रभावित एक नित्य तत्व सिद्ध करना चाहता है। वह कहता है, व्यक्ति के रूप में जिन वस्तुओं को हम देखते हैं वह इन्हीं अनादि मूल स्वरूपों सामान्य अश्वता गोता के प्रतिबिंब या अपूर्ण नकल है। व्यक्तियाँ आती जाती रहेगी, किंतु विज्ञान का मूल स्वरूप सामान्य सदा एक रस बने रहेंगे। मनुष्य व्यक्तिगत तौर से आते जाते रहेंगे, किंतु मनुष्य सामान्य के मनुष्य जाति सदा मौजूद रहेगी। विज्ञान एक दूसरे से संबद्ध हो, विज्ञान एक पूर्ण काया बनाते हैं जिसमें भिन्न भिन्न विज्ञानों के अपने स्थान नियत है। अफलांतु का समाज दासों और स्वामियों का समाज था, जिसमें अपने स्वार्थों के कारण जबरदस्त आंतरिक विरोध था। ऐसे विरोधों को मौखिक काव्यमयी व्याख्या द्वारा अफलांतु ने दूर ही नहीं करना चाहता था, बल्कि उससे कुछ सदियों पहले भारत के ऋषियों ने भी उसी अभिप्राय से पुरुष सूक्त बनाकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सिर बाहु जांघ पैर से उपमा दी। सामाजिक शांति कायम करनी चाहिए थी। दर्शन क्षेत्र में इस तरह की उपमा से अफलातू विज्ञानों के ऊंचे नीचे दर्जे कायम करना चाहता है। सबसे श्रेष्ठ उच्चतम विज्ञान ईश्वर विज्ञान है, जो कि बाकी सभी विज्ञानों का स्रोत है। यह विज्ञान महान है, इससे पर यार कोई दूसरा महान विज्ञान नहीं है। दो संसार, संसार में दो प्रकार के तत्व है, एक विज्ञान दूसरा भौतिक तत्व, किंतु इसमें विज्ञान ही वास्तविक तत्व है। वही अनधर्म पदार्थ है। हर एक चीज़ का रूप और सार अंत में जाकर इसी तत्व पर निर्भर है। विश्व में वही नियम और नियंत्रण करता है दूसरे भौतिक तत्व मूल नहीं, कार्य चमत्कारक नहीं, सुस्त चेतन नहीं, जड़ स्वेच्छा गति नहीं, अनिश्चिति गति की शक्तियाँ हैं। वे इच्छा बिना ही विज्ञान के दास है, विज्ञान की आज्ञा पर नाचते हैं और किसी तरह भी हो विज्ञान के छाप पर उन पर लगती है। यही मूल स्वरूप विज्ञान सक्रिय कारण है, भौतिक तत्व सहयोगी कारण है। ईश्वर उच्चतम विज्ञान ईश्वर है, यह कहकर आए हैं। अफलातू विधाता की उपमा मूर्तिकार से देता है। विधाता मानव मूर्तिकार की भांति विज्ञान जगत में मौजूद नमूने के अनुसार भौतिक विश्व को बनाता है। विज्ञान के अनुसार जहाँ तक ईश्वर इसके लिए संभव है, वह एक पूर्ण विश्व बनाता है। इतने पर भी यदि विश्व में कुछ अपूर्णता दिखाई पड़ती है तो मूर्तिकार को दोष न देना चाहिए, क्योंकि आखिर उसे भौतिक तत्वों पर काम करना है और भौतिक तत्व विधाता की कृति में बाधा डालते हैं। पीछे आने वाले हमारे न्यायिकों की भांति विधाता जनक नहीं इंजीनियर वास्तुशास्त्री है। वह स्वयं उच्चतम विज्ञान है, किंतु साथ ही भौतिक तत्व भी पहले से मौजूद है। भौतिक तत्व और विज्ञान जगत, यह दो दुनियाएं पहले से मौजूद है। इन दोनों में संबंध जोड़ने विज्ञान के रूप में मौजूद मूल स्वरूपों सामान्यों के अनुसार भौतिक तत्वों को गढ़ने के लिए एक हस्ती की जरूरत थी। विधाता वही हस्ती है, वही ब्रह्मा और अंतर जगत की संधि कराता है। अफलांतू का विधाता शिव है, उसकी वह सूर्य से उपमा देता है। सूर्य वस्तुओं के बढ़ने का भी स्रोत है और उस प्रकाश का भी जिससे उनका ज्ञान होता है। इसी तरह शिव सभी वस्तु शक्तियों और तत्संबंधी हमारे ज्ञान का भी स्रोत है। दर्शन की विशेषता, अफलांतू का दर्शन बुद्धिवादी है, क्योंकि वह ज्ञान के लिए इंद्रिय प्रत्यक्ष पर निर्भर नहीं बुद्धि पर जोर देता है।
प्रत्यक्ष जगत से अलग बुद्धिगम्य विज्ञान जगत इसका वास्तविक जगत है। विज्ञानवादी तो अफलांतु है ही, क्योंकि विज्ञान जगत ही उसके लिए एकमात्र सार है, क्योंकि बाहरी दुनिया को वह निराधार नहीं एक वास्तविक जगत का बाहरी प्रकाश कहता है। सारी दुनिया को मिलाने वाले महाविज्ञान की सत्ता को स्वीकार कर वह ब्रह्मवादी भी है, किंतु वह भौतिकवादी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भौतिक तत्व और उससे बनी दुनिया को वह प्रधान नहीं गौण मानता है। अफलांतु के सामाजिक राजनीतिक विचार के बारे में मानव समाज में कहा जा चुका है, वह समाज में परिवर्तन चाहता था, किंतु परिवर्तन ठोस मौजूदा समाज को लेकर नहीं बल्कि मूल स्वरूप के आधार पर। वस्तुवादी अरस्तु, अरस्तु बुद्ध से एक सदी पीछे सतगिरा में पैदा हुआ था। उसका पिता निकोमाचू सिकंदर के बाप तथा मकदूनिया के राजा फिलिप का राजवैद्य था। उसके बाल्यकाल में अफलांतु की ख्याति खूब फैली हुई थी। 17 वर्ष की उम्र में अरस्तु अफलांतु की पाठशाला में दाखिल हुआ और तब तक अपने गुरु के साथ रहा जब तक कि 20 वर्ष बाद अफलांतु मर नहीं गया। फिलिप को अपने लड़के सिकंदर की शिक्षा के लिए एक योग्य शिक्षक की जरूरत थी। उसकी दृष्टि अरस्तु पर पड़ी। विश्व विजय सिकंदर के निर्माण में अरस्तु का खास हाथ था। इसका बीज ढूंढने के लिए हमें उसके गुरु अफलांतु और परम गुरु सुक्रांत का जाना पड़ेगा। सुक्रांत अपने स्वतंत्र विचारों के लिए एथेंस के जन निर्वाचित शासकों के कोप का भाजन बना। अफलांतु अपने समय के समाज में असंतुष्ट था, इसीलिए उसमें परिवर्तन करके एक साम्यवादी समाज कायम करना चाहता था, लेकिन इस समाज की बुनियाद वह धरती पर नहीं डालना चाहता था। वह उसे विज्ञान जगत से लाना चाहता था और उसका शासन लौकिक पुरुषों के हाथ में नहीं बल्कि लोक से परी ख्याली दुनिया में उड़ने वाले दार्शनिकों के हाथ में देना चाहता था। यदि अफलांतु को पता होता कि उसके साम्यवादी समाज की स्थापना में एक विश्व विजेता सहायक हो सकता है, तो 18वीं और 19वीं सदी के यूरोपियन समाजवादियों आदि की भांति वह भी साम्यवादी राजा की तलाश करता। अरस्तु 20 साल तक अपने गुरु के विचारों को सुनता रहा, इसलिए उनका असर उस पर होना जरूरी था, क्योंकि ताजुब नहीं यदि अफलांतु का साम्यवादी राज अरस्तु द्वारा होकर सिकंदर के पास विश्व राज्य या चक्रवर्ती राज्य के रूप में पहुंचा। बुद्ध अपने साधुओं के संग में पूरा आर्थिक साम्यवाद, जहाँ तक उपभोग सामग्री का संबंध है, कायम करना चाहते थे। यदि वह संभव समझते तो शायद विस्तृत समाज में भी उसका प्रयोग करते, किंतु बुद्ध की वस्तुवादिता उन्हें इस तरह के तजुर्बे से रोकती थी। ऐसे विचारों को रखते भी बुद्ध चक्रवर्तीवाद सारे विश्व का एक धर्म राजा होना के बड़े प्रशंसक थे। हो सकता है अरस्तु ने भी अपने शिष्य सिकंदर में बाल्यकाल ही से अपने और अपने गुरु के स्वप्नों को सत्य करने के लिए चक्रवर्तीवाद भरना शुरू किया। अरस्तु ने एथेंस आदि के प्रजातंत्र ही नहीं देखे थे बल्कि वह 3 महाद्वीपों में राज रखने वाले ईरान के चक्रवर्तियों से भी परिचित था। सवाल हो सकता है यदि अरस्तु ने सिकंदर में ये भाव पैदा किए तो उसने विश्व विजय के साथ दूसरे स्वप्नों का भी क्यों नहीं प्रयोग किया। उत्तर यही है कि सिकंदर दार्शनिक स्वप्नचारी नहीं था। वह अपने सामने यूनानियों को अपने ठोस भालू तलवारों से सफलता प्राप्त करते देख रहा था, इसीलिए वह अपने स्वप्नचारी परम गुरु की सारी शिक्षाएं मानने के लिए बाध्य न था। अरस्तु सिर्फ दार्शनिक ही नहीं राजनीतिक विचारक भी था। यह तो इसी से पता लगता है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के समय एथेंस में मकदूनिया और मकदूनिया विरोधी जो भी दल हो गए थे, अरस्तु उनमें मकदूनिया विरोधी दल का समर्थक था। शायद अब अपनी गलती मालूम हुई और तलवार के एकाधिपत्य से एथेंस का पहले वाला जनतांत्रिक बनिया राज्य ही उसे पसंद आने लगा। इस विरोध से एथेंस के स्वामी उसके विरुद्ध हो गए और अरस्तु को जान बचाकर यूबोडिया भाग जाना पड़ा। यहाँ उसी साल 322 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हुई। दार्शनिक विचार, अरस्तु की कृतियाँ विशाल है। अपने समय तक इतना ज्ञान भंडार समाज में जमा हो चुका था। अरस्तु के ग्रंथ उसके लिए विश्वकोश का काम देते हैं।
यही नहीं, उसने खुद भी मनुष्य के ज्ञान भंडार को बहुत बढ़ाया। अरस्तु अफलांतु के दार्शनिक विचारों से बिल्कुल असहमत था। यह तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह विज्ञान जगत से इनकार नहीं करता था। सुकरांत और अफलांतु की तरह ज्ञान के लिए विज्ञान के महत्व को वह मानता था, किंतु वह भौतिक जगत से अलग थलग तथा एकमात्र प्रधान जगत है इसे वह मानने के लिए तैयार न था। बाहरी दुनिया प्रत्यक्ष जगत को समझने के लिए, उसकी व्याख्या के लिए अमर जगत विज्ञान जगत की जरूरत को वह स्वीकार करता था। यूनिक दार्शनिक सिर्फ भौतिक पहलू पर जोर देते थे। पिथागोर और अफलांतु मूल स्वरूप या विज्ञान आकृति या मूल स्वरूप पर जोर देते थे, किंतु अरस्तु दोनों को अभिन्न अंग मानता था। मूल स्वरूप विज्ञान भौतिक तत्वों में मौजूद है और भौतिक तत्व मूल स्वरूप विज्ञान में सामान्य जाति व्यक्तियों में मौजूद है। इन दोनों को अलग समझा जा सकता है किंतु अलग नहीं किया जा सकता। अफलांतु दार्शनिक के अतिरिक्त गणित शास्त्री भी था और गणित की काल्पनिक बिंदु रेखा संख्या आदि की छाप उसके दर्शन पर भी मिलती है। अरस्तु प्राणी शास्त्री भी था, इसलिए विज्ञानों और भौतिक तत्वों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। विज्ञान और भौतिक तत्व स्थिरता और परिवर्तनशीलता का वह समन्वय करना चाहता था। वह सभी चीज़ों में विज्ञान और भौतिक तत्वों को देखता था। मूर्ति में संगमरमर भौतिक तत्व है और उसके ऊपर जो आकृति ला दी गई वह विज्ञान, जो कि मूर्तिकार के दिमाग से निकला है। वनस्पति पशु या मनुष्य में शरीर भौतिक तत्व और पाचन वेदना आदि विज्ञान तत्व है। आकृति के बिना कोई चीज़ नहीं है। पृथ्वी जल आग और हवा भी बिना आकृति के नहीं है। ये भी मूल गुण रुक्षता नमी उष्णता सदी के भिन्न भिन्न योगों से बने हैं। सांख्य के विद्वान संस्करण में इन्हीं मूल गुणों को तन्मात्रा कहकर उन्हें भूतों का कारण कहा है और यह अरस्तु के इसी ख्याल से लिया गया मालूम होता है। भौतिक तत्व है जिनमें वृद्धि या विकास हो सकता है, यद्यपि यह वृद्धि या विकास एक सीमा रखता है। पत्थर का खंड किसी तरह की मूर्ति बन सकता है किंतु वृक्ष नहीं बन सकता। एक पौधा या अमोला बढ़कर पीपल बन सकता है किंतु पशु नहीं बन सकता। इस विचारधारा ने अरस्तु को जाति स्थिरता के सिद्धांत पर पहुंचा दिया और वह समझने लगा कि जातियों में परिवर्तन नहीं होता। इस धारणा ने अरस्तु को प्राणीशास्त्र में और आगे नहीं बढ़ने दिया और वह 19वीं सदी के महान प्राणीशास्त्री आविष्कार जाति परिवर्तन तक नहीं पहुँच सका। इतना होते हुए भी एक पाँति में न ही सही अलग अलग पाँतियों में हुए विकास और उसके सादृश्य की ओर ध्यान दिए बिना वह नहीं रह सकता था। छोटी छोटी प्राण जातियों की पाँति से क्रमशः आगे बढ़ती प्राणी जातियों से उच्च उच्चतर विकास को उसने देखा। विज्ञान रहित भौतिक तत्वों का विकास उतना गहरा नहीं है जितना कि विज्ञान युक्त तत्वों का इस विकास का उत्तम रूप हुआ है, जिससे आगे विकास की गुंजाइश नहीं। अतएव जो भौतिक तत्व की परिभाषा में आ नहीं सकता वह ईश्वर है। वह अफलांतु या अपरिवर्तनशील विज्ञान सिर्फ यही ईश्वर है, जो कि अरस्तु के विचार से विधाता नहीं है, क्योंकि विज्ञान और भौतिक तत्व हमेशा से वहाँ मौजूद थे। तो भी जैसे भी हो सभी वस्तुओं का खिंचाव ईश्वर की ओर है। दुनिया की वह चाह वह है कि उसकी उपस्थिति मात्र से वस्तुएं ऊंचे विकास की ओर अग्रसर होते हैं। वह विश्व का अचल चालक या उसका प्रेम ही है जगत को चला रहा है। अरस्तु चार प्रकार के कारण मानता है। उपादान कारण, जैसे घरे के लिए मिट्टी। मूल स्वरूप या विज्ञान कारण, जिन नियमों के अनुसार कार्य बनता है। निमित्त कारण, जिसके द्वारा उपादान कारण कार्य की शक्ल लेता है, जैसे कुम्हार आदि। अंतिम कारण या प्रयोजन, जिसके लिए की कारण बना। पहले और तीसरे कारणों को भारतीय न्यायिकों ने ले लिया। अरस्तु का यह भी कहना है कि हर कार्य को चारों तरह के कारणों की जरूरत नहीं, कितनों के लिए उपादान और निमित्त कारण ही काफ़ी होते हैं। ज्ञान, अरस्तु का कहना था ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी बुद्धि से ज़्यादा अपने इंद्रियों पर विश्वास रखें और अपनी बुद्धि पर उसी वक्त विश्वास करें जबकि उसका समर्थन घटनाएं करती हो। सच्चा ज्ञान सिर्फ घटनाओं का परिचय ही नहीं बल्कि यह भी जानना है कि किन वजहों किन कारणों या स्थितियों से वैसा होता है, जो विद्या या दर्शन आदिम या चरण का कारण पर विचार करता है उसे अरस्तु प्रथम दर्शन कहता है। आजकल उसे ही अध्यात्म शास्त्र कहते हैं। अरस्तु तर्कशास्त्र के प्रथम आचार्यों में है। उसके अनुसार तर्क का काम वह तरीका बतलाना है जिससे हम ज्ञान तक पहुंच सके। इस तर्क
इस तरह तर्क दर्शन तक पहुंचने के लिए सोपान सीढ़ी और चिंतन या जिस प्रक्रिया से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका विश्लेषण तर्क का मुख्य विषय है। तर्क वस्तुतः शुद्ध चिंतन का चिंतन ही विद्या है। हमारे चिंतन का आरंभ सदा इंद्रिया प्रत्यक्ष से होता है। हम पहले विशेष को जानते हैं, फिर उससे सामान्य पर पहुँचते हैं, अर्थात पहले अधिक ज्ञात को जानते हैं और फिर उससे और अधिक ज्ञात और अधिक निश्चित को। हम पहले अलग अलग जगह रसोई घर में शमशान में धुएं के साथ अलग आग को देखते हैं, फिर हमारी सामान्य धारणा बनती है जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है। अरस्तु ने अपने तर्कशास्त्र के लिए 10 और कहीं 8 प्रमेय ज्ञान के विषय माने हैं। वह क्या है यानी द्रव्य मनुष्य, दूसरा किन से बना है यानी गुण, तीसरा वह कितना बड़ा है यानी परिमाण, चौथा क्या संबंध रखता है यानी संबंध, पांचवा वह कहाँ है दिशा या देश, छठा कब होता है यानी काल, सातवां किस तरह है यानी आसन, लेटा या बैठा, आठवां किस तरह है यानी स्थित, कपड़े पहने या हथियार बंद, नौवां वह क्या करता है यानी कर्म, दसवां क्या परिणाम है यानी निष्क्रियता। इनमें द्रव्य गुण कर्म वैशेषिक के 6 पदार्थों में मौजूद है। काल दिशा उसके 9 द्रव्यों में है, बाकी में से भी कितनों का जिक्र वैशेषिक और न्याय करते हैं। सिकंदर के आक्रमण से पहले के किसी भारतीय ग्रंथ में इन बातों का विवेचन नहीं आया है, जिससे कहना पड़ता है कि यह हमारे दर्शन पर यवन आचार्यों का ऋण है। इस पर हम आगे कहेंगे। अरस्तु व्यक्ति या विशेष को वास्तविक द्रव्य मानता है। हाँ, यह व्यक्ति बदलता या जिन होता रहता है। सभी चीज़ें जिनका हम साक्षात्कार कर सकते हैं परिवर्तनशील होती हैं। भूत या विज्ञान दोनों न नए उत्पन्न होते हैं और न सदा के लिए लुप्त होते हैं। ये वस्तुओं के अनादि सनातन मूल तत्व है। परिवर्तन या वृद्धि शून्य में नहीं हो सकती, इनका कोई आश्रय या आधार होना चाहिए। वही परिवर्तन रहित तटस्थ आधार भूत और विज्ञान है। भूत और विज्ञान के मिलने से ही परिवर्तन और गति होती है। अरस्तु गति के 4 भेद बतलाता है। द्रव्य संबंधी गति उत्पादन विनाश, परिमाण संबंधी गति संयोग विभाग से पिंड के परिमाण में परिवर्तन, तीसरा गुण संबंधी गति एक चीज़ का दूसरी चीज़ में परिवर्तन दूध का दही पानी का बर्फ बनना, चौथा देश संबंधी गति एक जगह से दूसरी जगह जाना। अरस्तु दार्शनिक होने के अतिरिक्त एक बहुत बड़ा प्राणी शास्त्री भी था। यह बतलाए हैं उसका पिता स्वयं वैद्य था और वैद्यों का प्राणी शास्त्र से परिचय होना जरूरी है। हिप्पोक्रेट और उसके अनुयायियों ने प्राणी शास्त्र संबंधी घनविंसनाओं को ईसा पूर्व 5वीं सदी से प्रारंभ किया था। अरस्तु ने उन्हें बहुत आगे बढ़ाया और एक तरह जीवन विकास सिद्धांत का उससे प्रवर्तक कहना चाहिए। अरस्तु के प्राणी शास्त्रीय कार्य को उसके शिष्य थियोफ्रास्तु ने जारी रखा, किंतु आगे फिर 2 सहस्त्र शताब्दियों के लिए वह रुक गया। डार्विन ने अरस्तु की प्राणी शास्त्रीय गणवेशनाओं को बहुत दाद दी है। यूनानी दार्शनिक का ऋणी होना हमारे यहाँ के कितने ही विद्वानों को बहुत खटकता है। वह साबित करना चाहते हैं कि भारत ने बिना दूसरी जातियों की सहायता के ही अपने सारे ज्ञान विज्ञान को विकसित कर लिया और इसीलिए जिस सिद्धांतों के विकास के प्रवाह की हमारे तथा यूनानियों के संपर्क से पहले लिखे गए भारतीय साहित्य में गंध तक नहीं मिलती, उसके लिए भी जबरदस्त खींचातानी करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जब सिकंदर भारत में 323 ईसा पूर्व आया था तब यूनान दर्शन कला साहित्य आदि में उन्नति के शिखर पर पहुंचा हुआ था। उस समय और बाद में भी लाखों यूनानी हमारे देश में आकर सदा के लिए यहीं रह गए और आज वह हमारे रक्त मांस में इस तरह घुल मिल गए हैं कि उसका पता आँख से नहीं इतिहास के ज्ञान से ही मिलता है। जिस तरह चुपचाप यूनानियों का रुधिर मांस हमारा अभिन्न अंग बन गया, उसी तरह उनके ज्ञान का बहुत सा हिस्सा भी हमारे ज्ञान में समा गया। गंधार मूर्तिकला जिस तरह यवन कला की अस्पष्ट और गुप्त मूर्तिकला में अस्पष्ट छाप देखते हैं, उसी तरह हमें यह स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि हमारे मठों में साधु संतों और हमारी पाठशालाओं में अध्यापक बनकर बैठे शिक्षित सब यूनानी हमारे लिए अपने विद्वानों का भी कोई तोहफा लाए थे। यूनानी दर्शन का अंत। शिरोनिया के युद्ध
338 ईसा पूर्व में यूनान ने मकदूनिया से हार खाकर अपनी स्वतंत्रता गंवाई। इसने यूनान की आत्मा को इतना चूर कर दिया कि वह फिर न संभल सका। अरस्तु यद्यपि 322 ईसा पूर्व तक जीता रहा, किंतु उसके बहुत से महत्वपूर्ण दार्शनिक चिंतन पहले ही हो चुके थे। पराजित यूनान हेराक्लीतु, डेमोक्रेटस का फ्लांतु अरस्तु के जैसे स्वच्छंद सजीव दर्शन को नहीं प्रदान कर सकता था। अर्थी के साथ सतराम नाम सत ही निकलता है। यद्यपि अरस्तु की मृत्यु के बाद कई शताब्दियों तक यूनानी दर्शन प्रचलित रहा, किंतु वह राम नाम सत का दर्शन था। विपदा में पड़े लोग अपने अवसाद को धर्म या आचार संबंधी शिक्षा से हटाना चाहते थे, चाहे बुद्धिवादी अस्तोयकों को ले लीजिए या भौतिकवादी एपिकूरियों को अथवा संदेहवादियों को भी। सभी जीवन की आचार और धर्म संबंधी समस्याओं में उलझे हुए हैं और उनका अवसान चित्त की शांति या बाहरी बंधनों से मुक्ति के उपाय सोचने के साथ होता है। एपिकूरीय भौतिकवाद। एपिकूरियों के अनुसार दर्शन का लक्ष्य मनुष्य को सुखी जीवन की ओर ले जाना है। इनका दर्शन डेमोक्रेटस के यांत्रिक परमाणुवाद पर आधारित था। विश्व असंख्य भौतिक परमाणुओं की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। उसके पीछे कोई प्रयोजन या ज्ञान शक्ति काम नहीं कर रही। हर वक्त चलते रहते, एक दूसरे से मिलते अलग होते इन्हीं परमाणुओं के योग से मनुष्य भी बना। वह सदा परिवर्तित होता एक प्रवाह है। जीवन के अंत में परमाणु फिर बिखर जाएंगे, इसलिए मनुष्य को सुख या आनंद प्राप्त करने का अवकाश इस जीवन से परे नहीं मिलेगा, जिसके लिए कि उसे इस जीवन को भुला देना चाहिए। अतएव मनुष्य को आनंद प्राप्त करने की कोशिश यह करनी चाहिए और जो तरीके नियम संयम उसके जीवन को सुखमय बना सकते हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए। एपिकूरीय इस प्रकार भोगवादी थे, किंतु उनका भोगवाद सिर्फ व्यक्ति के लिए ही नहीं समाज के लिए भी था। इसलिए उसे संकीर्ण व्यक्तिक स्वार्थ नहीं कहा जा सकता, यद्यपि दूसरों के सुखवाद और उसके इनके सुखवाद में फर्क था। तो यहीं कि जहां दूसरे परलोक परमजन में व्यक्तिक सुख के चाहक थे, वहां एपिकूरीय इसी लोक इसी जन्म में मनुष्य व्यक्ति और समाज दोनों को सुखी देखना चाहते थे। एपिकूरी यूनानी भोगवाद का संस्थापक एपिकूरी समूस द्वीप में एथेंस प्रवासी माँ बाप के घर में पैदा हुआ था। अध्ययन काल में उसका परिचय डेमोक्रेटस के दर्शन परमाणुवाद से हुआ, जिसके आधार पर उसने अपने दर्शन का निर्माण किया और उसके प्रचार के लिए 306 ईसा पूर्व में बुद्ध के निर्माण से 250 वर्ष बाद एथेंस में अपना विद्यालय कायम कर मृत्यु तक अध्ययन अध्यापन करता रहा। अपने जीवन में ही उसके बहुत से मित्र और अनुयायी थे। पीछे तो उसकी संख्या और बढ़ी, उनमें अपने सुख से सुख मानने वाले भी हो सकते हैं, जिनके कि उदाहरण को लेकर दूसरे ने एपिकूरीयवाद को भी चावर्क की भांति ऋण कृत्वा घृतम प्रवेता मानने वाला कहकर बदनाम करना शुरू किया। एपिकूरू का कहना था कि यदि अपने इंद्रियों पर विश्वास न करें तो हम किसी ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। इंद्रिया कभी कभी गलत खबरें देती है, किंतु उन गलतियों को पुनः प्रयोग करके अथवा दूसरे के तजर्बे से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार एपिकूरू हमारे यहाँ के चार्वाक दर्शन की भांति प्रत्यक्ष प्रमाण पर बहुत अधिक जोर देता था। अस्तोइकों का शारीरिक ब्रह्मवाद। अस्तोइकों का दर्शन कैसिनोफिन के जगत शारीरिक ब्रह्मवाद की ही एक शाखा थी। हम कह आए हैं कि पिथागोर स्वयं भारतीय दर्शन से प्रभावित हुआ था और कैसिनोफिन उसी का उत्तराधिकारी था। इस प्रकार अस्तोइकों की शिक्षा में भारतीय दर्शन की छाप हुई, यह कोई अचरज की बात नहीं है। 332 ईसा पूर्व सिकंदर ने मिस्र में सिकंदरिया नगर बसाया था, जो पीछे तीनों महाद्वीपों का जबरदस्त व्यापारिक केंद्र ही नहीं बन गया, बल्कि वह तीनों द्वीपों के उच्चतम संस्कृति दर्शन और दूसरे विचारों के आदान प्रदान का भी केंद्र बन गया। सिकंदरिया अस्तोइकों का एक केंद्र था, इसलिए पूर्वी विचारों से परिचित होने के लिए यहाँ उन्हें बहुत सुविधा था। अरस्तु दैत्यवादी था, विज्ञान और भूत दोनों को अनादि मानता था, ईश्वर उसके लिए नियमित कारण था। अस्तोइकों ने दैत्यवाद में परिवर्तन किया और रामानुज के दर्शन की भांति माना कि ब्रह्मा अभिन्न निर्मित उपादान कारण है, अर्थात ब्रह्मा और जगत दो नहीं है। जगत भगवान का शरीर एक सजीव शरीर है, भगवान विश्व का आत्मा है। जीवन के सभी बीज या कीट उसमें मौजूद है, उसी के भीतर सृष्टि की सारी शक्ति निहित है। जिन 336 से 264 ईसा पूर्व
एलियातिक जैनों 490 से 430 ईसा पूर्व के 106 वर्ष बाद साइप्रस के स्तोइक दर्शन का आचार्य दूसरा जैनो पैदा हुआ था। साइप्रस यूरोप से ज़्यादा एशिया के नज़दीक है। उसी तरह जैनो का स्तोइक दर्शन भी एशिया के ज़्यादा नज़दीक है। 304 ईसा पूर्व में जैनो ने अपना विद्यालय अस्तुवा पाइकिले पर खोला, जिसकी वजह से उसको संप्रदाय का ही नाम स्तोइक पड़ गया। जैनों के बाद स्तोइक दर्शन का आचार्य क्लेंथ हुआ। यह फीनिशिय व्यापारिक दार्शनिक अशोक का समकालीन था। स्तोइक तर्क के जबरदस्त पक्षपाती थे। उनका कहना था दर्शन एक खेत है जिसकी रक्षा के लिए तर्क एक कांटों की बार है। भौतिक शास्त्र खेत की मिट्टी और आचार शास्त्र फल है। तर्क की बार का ख्याल हमारे न्याय ने स्तोइकों से ही लेकर कहा है। तर्क तत्व निश्चय की रक्षा के लिए कांटे की बार है। स्तोइक एपिक्यूरियो से इस बात में एकमत थे कि हमारे सभी ज्ञान का आधार इंद्रिय प्रत्यक्ष। हमारा ज्ञान या तो प्रत्यक्ष से आता है या उसके प्राप्त साधारण विचार या ज्ञान से। किसी बात को सच तभी माननी चाहिए जबकि वस्तुएं उसकी पुष्टि करती है। साइंस सच्चे निर्णयों का एक ऐसा सुसंगठित ज्ञान है जो एक सिद्धांत का दूसरे सिद्धांत से सिद्ध होना जरूरी कर देता है। स्तोइक उसी वस्तु को सच्ची मानते हैं जो क्रिया करती है या जिस पर क्रिया होती है। जो क्रिया शून्य है उसकी सत्ता को वह स्वीकार नहीं करते। इसीलिए शुद्ध विज्ञान को वह अरस्तु की भांति निष्क्रिय नहीं मानते। ईश्वर और जगत जब शरीर और शरीर के तौर पर अभिन्न है तो शरीर की क्रिया ईश्वर की अपनी ही क्रिया है। भौतिक तत्वों के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना भौतिक तत्व नहीं मिल सकते। इसीलिए भौतिक तत्वों को सर्वत्र शक्ति से व्याप्त मानना चाहिए। यह ख्याल उपनिषद के अंतर्यामीवाद से कितना मिलता है इसे हम आगे देखेंगे। स्तोइकों का यह अंग अवयव अवयवी वाला सिद्धांत वेदांत के सूत्रों उसकी बोधायन वृत्ति और रामानुज भाष्य में भी पाया जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि शरीरी भाव उपनिषद में है ही नहीं। यह भाव वहाँ था किंतु उसे स्तोइकों ने और तर्क सम्मत बनाने के लिए जो युक्ति दी उनसे बादरायन बोधायन आदि ने फायदा उठाया ऐसा मालूम होता है। शुद्ध से शुद्ध वस्तुएं भी भगवान के अंग हैं, वह एक और सब है। प्रकृति ईश्वर भाग भवित्व्यता एक ही है। जब प्रकृति ईश्वर से अभिन्न है तो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा आदर्श प्रकृति ही हो सकती है। इसीलिए स्तोइक प्राकृतिक जीवन के पक्षपाती थे। सभी प्राणी चूँकि ईश्वर प्रकृति अद्वैत की है संतानों का अंग है, इसीलिए स्तोइक विश्व भ्रात भाव के मानने वाले थे। सभी मनुष्य भाई भाई है या ईश्वर सबका पिता है। एपिकटेटो ने कहा था स्तोइक दर्शन का प्रचार कई शताब्दियों तक रहा। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस जो नागार्जुन का समकालीन था स्तोइकों का एक बहुत बड़ा दार्शनिक समझा जाता है। ईसाई धर्म के आरंभिक प्रचार के समय उपरले वर्ग में स्तोइकवाद का बहुत प्रचार था, किंतु ऐसे गंभीर तर्क कंटक शाखा रक्षित दर्शन को हटाकर ईसाइत के बच्चों की कहानियां अपना अधिकार जमाने में कैसे सफल हुई इसका कारण यही था कि कहानियां पृथ्वी के ठोस पुत्रों निम्न श्रेणी के मजदूरों गुलामों में फैलकर शक्ति बन उनके हाथों और हृदय को संघर्ष करने के लिए मजबूत कर रही थी, जबकि हवा में उड़ने वाले राजाओं और अमीरों का ब्रह्मा दर्शन गरीबों के पसीने की कमाई को खाकर मोटे हुए उनके शरीर के लिए लवन भास्कर का काम दे रहा था। ख्याली जगत और वास्तविक जगत का जहां आपस में मुकाबला होता है वहां परिणाम ऐसा ही देखा जाता है। संदेहवाद हम वस्तुओं के स्वभाव को नहीं जान सकते। इंद्रियां हमें सिर्फ इतना ही बतलाती है कि चीज़ें कैसी देख पड़ती है, वह वस्तु क्या है इसे जानना संभव नहीं है। पिरहो 365 से 290 ईसा पूर्व पिरहो एलिय सुनान में अरस्तु से 19 साल बाद पैदा हुआ था। जैनों की भांति पिरहो को भी देमोक्रितु के ग्रंथ ने दर्शन की ओर खींचा। जब सिकंदर ने पूर्व की दिग्विजय यात्रा की तो पिरहो भी उसकी फौज के साथ था। ईरान में उसने पारसी धर्माचार्यों से शिक्षा प्राप्त की थी। भारत में युवा कितने ही साल रहा
और यहाँ के एक दार्शनिक संप्रदाय जैसे यूनानी लेखक गिम्नोसोफी नाम देते हैं का उसने अध्ययन किया था। गिम्नो जिनसे मिलता जुलता शब्द मालूम होता है बौद्ध और जैन धर्म अपने धर्म संस्थापक को जिन कहते हैं, लेकिन जहाँ तक पिरहो के विचारों का संबंध है वह बौद्ध सिद्धांतों का एकांकगीन विकास मालूम होता है जिन्हें कि हम ईसा की दूसरी सदी के नागार्जुन में पाते हैं। नागार्जुनों का शून्यवाद पुराने वैपुल्यवादियों से विकसित हुआ है और वैपुल्यवादियों के होने का पता अशोक के समय तक लगता है। अशोक पिरहो की मृत्यु से एक साल बाद 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। इस तरह पिरहो के भारत आने के समय वैपुल्यवादी मौजूद थे। भारत से पिरहो एलिस लौट गया। इसका विचार था वस्तुओं का अपना स्वभाव क्या है, इसे जानना असंभव है। कोई भी सिद्धांत पेश किए जाए उतनी ही मजबूत युक्ति प्रमाण के साथ ठीक उससे उल्टी बात कही जा सकती है। इसीलिए अच्छा यही है कि अपना अंतिम बौद्धिक निर्णय ही ना दिया जाए, जीवन कैसी स्थिति में रखना ठीक है। नागार्जुन के वर्णन में हम इसकी समानता को देखेंगे, किंतु इसमें नागार्जुन को पिरहो का ऋणी न मानकर यही मानना अच्छा होगा कि दोनों का उद्गम वही वैपुल्यवाद हेतुवाद या उत्तरापथवाद थे। पिरहो ज्ञान को असाध्य साबित करने के लिए कहता है, किंतु किसी चीज़ को ठोस ठीक साबित करने के लिए या तो उसे स्वतः प्रमाण मान लेना होगा जो कि गलत तर्क है, या दूसरी चीज़ को प्रमाण मानकर चलना होगा जिससे के लिए कि फिर प्रमाण की जरूरत होगी। नागार्जुन ने विग्रह में ठीक इन्हीं युक्तियों द्वारा प्रमाण की प्रमाणिकता का खंडन किया है। ईश्वर खंडन पिरहो के अनुयायी अस्तोयकों के ब्रह्मवाद का खंडन करते हैं। अस्तोयक कहते हैं जगत की सृष्टि में खास प्रयोजन मालूम होता है और वह प्रयोजन तभी हो सकता है जबकि कोई चेतन शक्ति उसे सामने रखकर संसार की सृष्टि करे। इस तरह प्रयोजनवाद ईश्वर की हस्ती को सिद्ध करता है। संदेहवादियों का कहना था जगत में कोई ऐसा प्रयोजन नहीं दिख पड़ता, वहाँ न बुद्धिपूर्वकता दिखाई पड़ती है और न वह शिव सुंदर ही है। बुद्धिपूर्वकता होती तो गलती कर करके हजारों ढांचों को नष्ट कर करके नए स्वरूपों की अस्थायी हस्ती के आने की जरूरत नहीं होती और दुनिया को शिव सुंदर तो वही कह सकते हैं जो सदा स्वप्न की दुनिया में विचरण करते हैं। यदि दुनिया में यह बातें भी नहीं होती तो भी उसे ईश्वर नहीं स्वाभाविकता ही सिद्धि होती। अस्तोयिक ईश्वर को विश्वात्मा मानते हैं। पिरहो के अनुयायी कहते थे कि तप उसका मतलब है कि वह वेदना या अनुभव करता है। जो वेदना या अनुभव करता है वह परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वह नित्य एकरस नहीं हो सकता। यदि वह अपरिवर्तनशील एकरस है तो वह एक कठिन निर्जीव पदार्थ है और विश्वात्मा को शरीरधारी मानने पर मनुष्य के भांति उसे परिवर्तनशील नाशवान तो मानना ही होगा। यदि वह शिव है तो वह मनुष्य की भांति आचार की कसौटी के अंदर ना आता है और यदि शिव नहीं तो घोर है और मनुष्य से निम्न श्रेणी का है। और इस प्रकार ईश्वर का विचार परस्पर विरोधी दलीलों से भरा हुआ है, हमारी बुद्धि इसे ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए उसका ज्ञान असंभव है। पिरहो के बाद उसके दार्शनिक संप्रदाय के कितने ही आचार्य हुए जिनमें मुख्य थे अकोर्सिलो। संदेहवाद के अनुयायी कितने ही अच्छे अच्छे दार्शनिक विद्वान होते रहे किंतु सभी अस्तोयिकों की भांति आकाश विहारी थे। इनका काम ज़्यादातर निषेधात्मक और ध्वंसात्मक था और सामने कोई रचनात्मक प्रोग्राम नहीं था। इसलिए ईसाइयत ने अस्तोयिकों के साथ इन कोरे फिलासफरों का भी खात्मा कर दिया। नवीन अफलातुनी दर्शन पश्चिम के यूनानी दर्शन ने अपने अंतिम दर्शन नव अफलातुनी दर्शन के रूप में देखे। यह पाश्चात्य दर्शन के पौरसत्व युग रहस्यवाद अध्यात्म शास्त्र का एक अजीब मिश्रण था और यमन रोमन सभ्यता के पतन और बुढ़ापे को प्रकट करता था। यूनानी दर्शनों में हम देख चुके हैं कि अफलातुन को लोकोत्तर विज्ञानवाद धर्म और अध्यात्म। ईसा पूर्व पहली सदी में रोम साम्राज्य में दो बड़े बड़े शहर थे, एक तो राजधानी विजंतियुम या आधुनिक इस्तांबुल और दूसरा मिस्र सिकंदरिया। दोनों पूर्व और पश्चिम के वाणिज्य ही नहीं संस्कृत धर्म दर्शन कला सबके विनिमय के स्थान थे। विजंतियुम था यूरोप की भूमि पर, किंतु उस पर
पश्चिम की अपेक्षा पूरब की छाप ज़्यादा थी। सिकंदरिया के बारे में कह चुके हैं कि वह व्यापार का केंद्र ही नहीं था बल्कि विद्या के लिए पश्चिम की नालंदा थी। ईसा पूर्व पहली सदी में लंका के रत्न माल्य चित्य रुवनवेली स्तूप अनुराधपुर के उद्घाटन उत्सव में सिकंदरिया के बौद्ध भिक्षु धर्म रक्षित आने का जिक्र आता है। वह यही सिकंदरिया हो सकती है और इससे मालूम होता है कि ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक की सहायता से जो भिक्षु विदेशों और यवन लोक में भेजे गए थे उन्होंने सिकंदरिया में भी अपना मठ कायम किया था। धर्म व्यापार का अनुगमन करता है, यह कहावत उस वक्त भी चरितार्थ थे जहाँ तहाँ विदेशों में भारतीय व्यापारी बस गए थे, जिसे उनके धर्म प्रचारकों को उस देश के विचार तथा समाज के बारे में जानने का ही अधिक सुविधा न होता था, बल्कि ये व्यापारी उनके मठों के बनाने और शरीर निर्वाह के लिए मदद देते थे। यूनान के राष्ट्रीय अधपतन और निराशा के समय पूर्वीय साधुओं, योगियों और योग तपस्या संसार की असारता पर लोकवाद की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक था। और हम देखते हैं कि हजारों शिक्षित संस्कृत रोमक और यवन सत्य और निर्वाण के साक्षात्कार के लिए सिकंदरिया से रेगिस्तान का रास्ता लेते हैं। वहाँ वे दरिद्रता, उपवास, योग और भजन में अपने दिन गुजारते हैं। दुनिया छोड़कर भागने वाली इस समुदाय में सैनिक, व्यापारी, दार्शनिक, महात्मा सभी शामिल थे। यद्यपि सिकंदरिया में अफलातू ही नहीं अरस्तु का यथार्थवादी दर्शन भी पढ़ाया जाता था, किंतु जो दुनिया से उब गए थे और जिन्हें सुधार का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था वे अफलातू के विज्ञानवाद को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। पश्चिम जगत का उस समय भारत की ही नहीं ईरान की भी पुरानी संस्कृति से संबंध था, बल्कि पास का पड़ोसी होने से ईरान का संबंध ज़्यादा नज़दीक था। ईरान दर्शन की उड़ान में हमेशा भारत से पीछे रहा पिथागोर और सिकंदर के समय से ही भारत अपनी संपत्ति के लिए ही नहीं दार्शनिकों और योगियों के लिए भी मशहूर था। इसलिए यूनानी दर्शन को नवीन अप्लातूनीय दर्शन के रूप में परिणत करने का श्रेय भारतीय दर्शन को ही है। निराशावाद, रहस्यवाद, दुखवाद, लोकोत्तरवाद वहीं उठते हैं जहाँ की भूमि वहाँ के समाज के नायकों को असंतुष्ट कर देती है। या तो बराबर के युद्ध, राज क्रांति और उनके कारण होने वाले दुर्भिक्ष महामारी जीवन को कड़वा बना देते हैं, अथवा समाज के भीतर की विषमता गंदगी समृद्धि भोगों को चंचला लक्ष्मी बना असंतोष कर बना देती है। सातवीं छठवीं सदी ईसा पूर्व में भारत में उपनिषद का निराशावाद, रहस्यवाद इन्हीं परिस्थितियों में पैदा हुआ था और समाज को बदलने की जगह स्थिरता प्रदान कर भारत के निन्न विचारधाराओं को भी स्थिरता प्रदान की। पीछे आने वाले बौद्ध, जैन तथा दूसरे दर्शन उसी निराशावाद और रहस्यवाद के नए संस्करण हैं। आखिर सामाजिक विकास के रुक जाने पर भी बौद्धिक विकास तो भारतीयों का कुछ होता ही रहा, जिसकी वजह से निराशावाद और रहस्यवाद को भी नए रूप देने की ज़रूरत पड़ी। भारत ने समाज को न्याय करने में तो सिर खपाना नहीं चाहा, क्योंकि सदियों बीतती गई और गंदगियां जमा होती रही। बढ़ते कर्ज को मुलतवी करने वाले ऋणी की भांति उनका सफाया करना और मुश्किल हो गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में बिल्ली के सामने कबूतर के आँख मूंदने या शुतुरमुर्ग के बालू में मुँह छिपाने की नीति आदमी को ज़्यादा पसंद आती है। भारत में निराशावाद, रहस्यवाद को अपना कर उसके उपनिषद, जैन, बौद्ध, योग, वेदांत, शैव, पंचरात, महायान, तंत्रयान, भक्ति मार्ग, निर्गुण मार्ग, कबीर पंथ, नानक पंथ, सखी समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, राधा वल्लीय, राधा स्वामी आदि नए संस्करणों को करके उसी बिल्ली कबूतर नीति का अनुसरण किया। भारत की तरह ही परिस्थिति में जब दूसरे देश और समाज भी आ पड़ते हैं उस समय यही आजमुदा नुस्खा वहाँ भी काम आता। आज यूरोप, अमेरिका में जो बौद्ध, वेदांत, थियोसोफी, प्रेत विद्या की चर्चा है वह भी वहीं शुतुरमुर्गी नीति है। समाज के परिवर्तन की जगह लोक से भागने का प्रयत्न है। ईसा पूर्व पहली सदी का यवन रोम का नायक शासक समाज भोग समृद्धि में नाक तक डूबा। सामाजिक विषमता और गंदगी के कारण अशित अनिश्चितता भविष्य तथा अर्जुन का शिकार था। वह भी इस परिस्थिति से जान छुड़ाना चाहता था। इसके लिए उसका स्वदेशी नुस्खा अफलांतू का दर्शन काफ़ी न था। उसके लिए वह और कड़ी बोतल जरूरी थी, जिसके लिए उन्होंने भारतीय रहस्यवाद, निराशावाद को अफलातूनी दर्शन में मिला दिया। इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष सारी दुनिया माया, भ्रम, इंद्रजाल है।
विज्ञान जगत ही सच्चा है। सत्य और मानसिक शांति तभी मिल सकती है जबकि मनुष्य जीवन से अलग हो, एक लंबे संयम यम नियम के साथ, इसी जन्म की नहीं अनेक जन्म की संस्कृति के साथ, उस अकथ अज्ञेय रहस्यमय दुनिया को जानने पर हृदय की गांठें टूट जाती है, सारे संशय छिन्न हो जाते हैं, लाखों जन्म के दोष कर्म छिन्न हो जाते हैं। उस पर को देख कर नवीन अफलातूनीय दार्शनिकों में सिकंदरिया का फिलो यूदियो ईसा पूर्व 25 से 50 ईसा बहुत महत्व रखता है। उसने अफलांतु और भारतीय दर्शन के साथ यहूदी शिक्षा का समन्वय करना चाहा। इसके लिए उसने यहूदी फरिश्तों को भगवान और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने वाले अफलातूनी विज्ञान का अलंकारिक रूप बतलाया, लेकिन यह अलंकारिक व्याख्या उतनी सफल नहीं हुई, जिस पर इस काम को फ्लोतिनु ने अपने हाथों में लिया। नासोन्मुख भव्य प्रसाद के कंगूरे मीनार छत और दीवारें एक एक ईंट करके गिरते हैं, वही हालत पतनोन्मुख संस्कृति की भी होती है। ईसा की 3री सदी के आरंभ में रोमन संस्कृति भी इस अवस्था में पहुंच गई थी। प्लोतिनु इसका भी प्रतीक था। प्लोतिनु और उसके जैसे दूसरे विचारक भी वस्तु स्थिति से मुकाबला करने से जी चुराना चाहते हैं। वह दुनिया की सारी व्यवस्था समाज की गंदगियों में जानने की काफ़ी समझ रखते, किंतु अज्ञान कार्यपन या अपने समृद्ध वर्ग के स्वार्थ के ख्याल से उस व्यवस्था के उलटने में योगदान करना चाहते हैं। उन्हें इससे अच्छी व ख्याली दुनिया मालूम होती है जिसका निर्माण बड़े यत्न के साथ अफलांतु ने किया। नवीन अफलातूनीय दर्शन की शिक्षा भी सभी चीज़ें पर अज्ञेय परम तत्व अनादि विज्ञान से पैदा हुई है। परमात्मा से उनका संबंध वास्तु के तौर पर नहीं बल्कि कल्पना के तौर पर है। यही कल्पना करना उस परम तत्व के अस्तित्व का परिचायक है। परम तत्व के किसी गुण को समझने के लिए हमारे पास कोई इंद्रिय या साधन नहीं है। इस परम तत्व से एक आत्मा पैदा होता है जिसे ईश्वर कहती है और जो विश्व का सृष्टि करता है। शंकर के वेदांत में भी ईश्वर को परम तत्व मानते हैं। यह ईश्वर या दिव्य विज्ञान ध्यान करके अपने शरीर से विश्व आत्मा को पैदा करता है जो कि विश्व का भी आत्मा है। दुनिया के अनगिनत जीवात्माओं का भी दुनिया अब तैयार हो गई है, किंतु दिव्य विज्ञान का काम इतने से समाप्त नहीं होता। वह लगातार आत्माओं को प्रकट कर इसे देखने की दुनिया में भेज रहा है। जिन्होंने अपने सांसारिक कर्तव्य को पालन कर लिया है उन्हें अपनी गोद में वापस ले रहा है। अफलांतु ने प्रयोग या अनुभव से ऊपर बुद्धि को मानता था, किंतु नवीन अफलातूनी समाधि के साक्षात्कार आत्मानुभूति को बुद्धि से ऊपर मानते थे। प्लोतिनु ने कहा, उस सर्व महान परम तत्व को बुद्धि के चिंतन से नहीं बल्कि अचिंतन से बुद्धि से परे जाकर माना जाना जा सकता है। इस राष्ट्रवाद ने ईसाई धर्म और खासकर ईसाई संत अगस्तीन पर बहुत प्रभाव डाला। आज भी पूर्वीय ईसाई चर्च स्लाव देशों की ईसाइयत पर भारतीय नवीन अफलातूनीय दर्शन की जबरदस्त छाप, योग ज्ञान वैराग्य का दौर दौड़ा है। पश्चिमी रोमन कैथोलिक चर्च को संत थॉमस अक्विना ने जमीन पर लाने की कुछ कोशिश की, मगर रहस्यवाद से धर्म का पिंड छूट ही कैसे सकता है। रोमनों ने सिकंदरिया पर अधिकार किया 47वीं ईसा पूर्व। उसके बाद उसका वैभव छिन्न होने लगा। आमतौर से दर्शन की ओर उनकी विशेष रुचि न थी, तभी कुछ रोमन यूनानी दर्शन के अध्ययन अध्यापन में सहायता की। सिसरो का नाम इस बारे में विशेषतः उल्लेखनीय है। इसके ग्रंथों ने पीछे भी यूनानी दर्शन को जीवित रखने का बहुत काम किया। लुक्रेसियो ने डेमोक्रिटो के परमाणुवाद को हम तक पहुंचाने में बड़ी सहायता की। स्टोइक दार्शनिक सम्राट मार्कस ऑरेलियस 121 से 180 ईसा का जिक्र पहले आ चुका है। यूनानी दर्शन के बारे में अंतिम लेखनी बोएथेउ 480 से 524 की थी, जो कि दिगनाग 450 ईसा और धर्मकीर्ति 600 ईसा के बीच के काल में पैदा हुआ था, और जिसने दर्शन के संतोष नामक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ ने बहुत दिनों तक विद्यार्थियों के लिए प्रकरण और परिचय ग्रंथ का काम दिया। ईसाई धर्म पर पीछे नवीन अफलातूनीय दर्शन का असर पड़ा जरूर, किंतु शुरू में ईसाई धर्म प्रचारक दर्शन को घृणा की दृष्टि से देखते थे और ईसा के सीधे साधे जीवन तथा गरीबों के प्रेम की कथाएं कहकर साधारण जनता को अपनी ओर खींच रहे थे। उनका जोर ज्ञान और व्यक्ति प्रयत्न पर नहीं बल्कि विश्वास और आत्मसमर्पण पर था। आदिम ईसाई नेता दर्शन को खतरनाक समझते थे।
390 ईसा में लॉर्ड पादरी थेवफिल ने धर्म विरोधी पुस्तकों का भंडार समझकर सिकंदरिया के सारे पुस्तकालयों को जलवा दिया। 415 ईसा में सिकंदरिया के ज्योतिषी थियोन की लड़की तथा स्वयं गणित की पंडिता हिपासिया का ईसाई धर्मांधों ने बड़ी निर्दयता के साथ वध किया। ऐसे कितने ही पाशविक वधों और अत्याचारों से ईसाई धर्मांधों को संतोष नहीं हुआ और अंत में 529 ईसा में जिस शताब्दी में भव्य चंद्रकृति प्रशस्त पाद उद्धोतकर जैसे दार्शनिक तथा बराह मिहिर और ब्रह्मागुप्त जैसे जोशी हमारे या स्वतः चिंतन में लगे थे, ईसाई राजा जस्टिनियन ने राजाज्ञा निकाल दर्शन के सभी विद्यालयों को बंद कर दिया। तब से यूरोप में 700 वर्षों की कालरात्रि शुरू होती है जिसमें दर्शन विस्मृत सा हो जाता है। अगस्तीन 353 से 430 ईसा यूनानी दर्शन के साथ शुरू में ईसाइयत का बर्ताव कैसा रहा इसका जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन तलवार से ज्ञान की चोट जबरदस्त होती है। जिस समय 390 लॉर्ड पादरी थेवफिल सिकंदरिया के पुस्तकालयों को जला रहा था उस समय ओडोलियो अगस्तीन यद्यपि वह ईसाई साधु था किंतु पहले के पढ़े दर्शन को वह भूल नहीं सकता था, इसलिए उसने दर्शन को ईसाई धर्म की खिदमत में लगाना चाहा। अगस्तीन तगस्तीर उत्तरी अफ्रीका में ईसाई मोनिका और काफिर बाप से पैदा हुआ था। साधु होने के बाद 3 साल तक वह मिलन में पादरी रहा। उसने यूनानी दार्शनिक की भांति युक्ति द्वारा ईसाई धर्म का मंडन करना चाहा। ईश्वर ने दुनिया को असत से नहीं पैदा किया, अपने विकास के वास्ते यह बात उसके लिए जरूरी नहीं। ईश्वर लगातार सृष्टि करता रहता है, ऐसा न हो तो संसार छिन्न भिन्न हो जाए। संसार बिल्कुल ही ईश्वर के अवलंबन पर है। संसार काल और देश में बनाया गया यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब ईश्वर ने संसार बनाया उससे पहले देश काल नहीं थे। संसार को बनाते हुए उसने देश काल को बनाया, तो भी ईश्वर की सृष्टि सदा रहने वाली सृष्टि नहीं है, संसार का आदि है। सृष्टि शांत परिवर्तनशील और नाशवान है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसने भौतिक तत्वों को भी